Hi friends, are you ready? 3, 2, 1, welcome to my channel. स्वागत है आपका काशी में और चैनल और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए. सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से हर हर महादेव. मैं आई हूँ भोलेनाथ की नगरी काशी में. काशी कह सकते हैं, बनारस कह सकते हैं, वाराणसी सभी लोग इसी नाम से जानते हैं. इसकी जो मेन पहचान है वो है विश्व के पालनकर्ता बाबा विश्वनाथ के अलौकिक मंदिर की वजह से. हमारे पूरे भारत में हमारे महादेव जी की 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिनमें से एक काशी विश्वनाथ में स्थापित है. तो आज उसी के आपको दर्शन करवाएंगे. तो गाइस, आपको हमारी इस वीडियो से बहुत मदद मिलने वाली, क्योंकि हम आपको पहुंचाने वाले हैं टेंपल तक कम बजट में. तो हमने चूज किया है ट्रेन को, हम जा रहे काशी विश्वनाथ ट्रेन से. वीडियो को पूरा देखिए स्किप किए बिना और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव. अब बात करते हैं यहाँ तक पहुँचे कैसे. उसके लिए सबसे सस्ता और आसान तरीका होता है बाय ट्रेन. इसके लिए आप बनारस या वाराणसी उतर सकते हैं. अगर आप आसपास के शहरों से आ रहे तो आप बस के माध्यम से भी आ सकते हैं. आपको वाराणसी स्टेशन की कुछ दूरी पर आपको बस स्टॉप मिल जाएगा. और इनकेस आप फ्लाइट से आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बनारस में बाबतपुर एयरपोर्ट मिल जाएगा. और आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ये. तो उसके लिए भी आपको कार पार्किंग की सुविधा आपको टेंपल के पास नियर मिल जाएगी. मैंने अपना सफ़र ट्रेन से पूरा किया है. इन केस अगर आप बनारस रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो यहाँ से टेंपल की दूरी 5 किलोमीटर रहने वाली है. और अगर आप वाराणसी रेलवे स्टेशन से आते हैं तो आपको टेंपल की दूरी 4 किलोमीटर रहने वाली है. दोनों ही जगह के स्टेशन के बाहर आपको ई रिक्शा और ऑटो की सुविधा मिल जाएगी, जो कि आपको 20 रुपीस पर हर चार्ज लेते हैं, जो आपको टेंपल के नियर छोड़ देते हैं. आपके लिए हमने रिक्शा 20 रुपीस पर. इन दोनों की फाइटिंग हो गई यहीं पे चालू. गाइस, आपको एक चीज और बता दूं, टेंपल जाते वक्त आप उसके कुछ दूरी पहले गदोलिया चौक पे उतर सकते हैं या फिर गिरजाघर क्रॉसिंग चौक पर उतर सकते हैं. ये दो लोकेशन आपको ऐसी है जो आपको खाने पीने और कम प्राइस में आपको रहने की सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाएगी. और साथ के साथ आपको धर्मशाला की सुविधा भी मिल जाएगी. यहाँ की 2-व्हीलर पार्किंग के पास अगर आप गलियों में ट्राई करेंगे तो आपको नॉन एसी रूम जो है 600 से 1000 के बीच में मिल जाएगा. अगर आप एसी रूम के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 800 से 1500 रुपीस पे करना होगा. और धर्मशाला के बारे में बात करें तो 400 से 500 के बीच में आपको अच्छी धर्मशाला मिल जाएगी. तो अब चल रहे हैं हम विश्वनाथ टेम्पल की और जो की यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है. टेंपल के मार्ग पे जाते हैं हमें कुछ डिफरेंट चीज दिखी. ये थी मलाइयो जो कि दूध से बनी हुई थी और ये एक तरीके का झाग था. बड़ा ही डिफरेंट लगा ये हमें और साथ के साथ इसके थोड़ा मिल्क भी मिलता है. हम आए गदोरिया चौक की ओर से. गदोरिया चौक की ओर से आने पर आपको गेट नंबर 4 पहले पड़ेगा. तो गेट नंबर 4 से आपको कम समय में दर्शन करने को मिल जाएंगे. मंदिर परिसर में और मंदिर परिसर के बाहर आपको फूल माला और प्रसाद की सुविधा मिल जाएगी. और साथ के साथ आपको लोकर जूते चप्पल रखने की आपको सुविधा भी मिल जाएगी, जो कि आपको फ्री होने वाली है. बट इसके बदले आपको फूल माला और प्रसाद लेना होता है. अब तो हमने गेट नंबर 4 से एंट्री कर ली है. अंदर एंट्री करने के बाद देख सकते हैं यहाँ का माहौल कुछ इस तरीके से है. यहाँ पे मंदिर परिसर के अंदर आपको बहुत सारी शॉप्स दिख रही होंगी और साथ के साथ लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे होंगे जूता घर भी आपको मिल जाएगा. और साथ के साथ मंदिर के अंदर मोबाइल, बेल्ट, पर्स, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम और बैग आपको ले जाना अलाउड नहीं है. वहीं अगर दर्शन के बारे में बात करें तो आपको दिन के टाइम में आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है. और शाम के बारे में बात करें तो 1.5 से 1 घंटा आपको दर्शन के लिए लग सकता है. अगर सावन के महीने के बारे में बात करें तो 2 से 2.5 घंटे आपको लग सकते हैं. दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो मंदिर पर शिखर स्थापित है उसको देखने से सबकी मनोकामना भोलेनाथ जी जरूर पूरी करते हैं. काशी बहुत प्राचीन नगरी है. कहा जाता है कि स्वयं भोलेनाथ जी ने इसे बसाया था. चलो दोस्तों, अब हम दर्शन कर लेते हैं. आप और हम इतने भाग्यशाली कि हमें बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन प्राप्त हर हर महादेव. तो दोस्तों, अब आप और हम चल रहे हैं दशा समेत घाट की ओर. घाट की ओर जाते जाते चलो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ की फेमस घाट के बारे में. तो चलो बताती हूँ आपकी यहाँ की फेमस घाट. दशा समेत घाट के बाद जो आपको फेमस घाट मिलने वाली है वो मिलने वाली है आपको असी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्रा घाट, केदार घाट और ललिता घाट. ऐसी बहुत सी घाट आपको मिल जाएंगी. यहाँ पर आरती का भी आयोजन किया जाता है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं. आप चाहे तो आप भी इस आरती में शामिल हो सकते हैं. देश विदेश में यहाँ की आरती बहुत फेमस मानी जाती है. अब आ चुके हैं हम दशा समेत घाट पर.
दोस्तों हम हो चुके हैं बहुत ज्यादा लेट और घाट पे देख सकते हैं सब कुछ शांति शांति नजर आ रही है। सब कुछ हो चुका है यहाँ पे बंद। अब बंद तो हो गया है पर अब क्या कर सकते हैं, रात का टाइम है। पर आपको सामने जो दिख रही है ना सारी जितनी भी वोट है, इस वोट पे आप गंगा जी पर वोटिंग भी कर सकते हैं। 100 रुपीज पर हेड आपका यहाँ पर लगने वाला है और साथ के साथ आपको सभी घाटों के दर्शन भी ये करवा ही देंगे। इतनी प्यारी वोट है, दिन के नज़ारे में यही वोट आपको यहाँ के वहाँ इस पार से उस पार लेके जाती है, यहाँ से वहाँ घुमाती है। तो सारी वोट ही वोट है। ठंड का टाइम है और यहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड और मेरी शोना को हो रही है बहुत ज़्यादा खांसी। वीडियो एंड तक देखना ना बोले गाइस, क्योंकि अभी अंत का द्वार दिखाना तो अभी बाकी है। अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है मणिकर्णिका घाट। काशी के मणिकर्णिका घाट में 24 घंटे चिता जलती रहती है और यह कभी बुझती नहीं है, इसलिए काशी के इस घाट को माँ शमशान कहते हैं। यह घाट अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है। काशी खंड के अनुसार जिसका भी यहाँ अंतिम संस्कार होता है या मृत्यु होती है, उसे स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र कान में देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। यह हमारी जिंदगी की सच्चाई है जिससे हमेशा हम परे रहते हैं और यही हमारा अंतिम द्वार है। मान्यताओं के अनुसार ये भी बताया जाता है कि भगवान शंकर जी के द्वारा माता सती के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार यहाँ किया गया था, जिस कारण इसे महाशमशान भी कहा जाता है। दोस्तों बहुत से लोगों को मेरी ये वीडियो का अंत शायद पसंद ना आया हो, इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। बट ये हमारी जिंदगी की सच्चाई है, इससे हम दूर नहीं भाग सकते हैं। हम सभी की जिंदगी का अंत यही है और फिलहाल के लिए मेरी वीडियो का अंत भी यही है। होप सो आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सभी का दिल से शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।